मैं हूं प्रज्ञा, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार दिवस के अवसर पर फ्री में इन पर्यटक स्थलों पर सैर कर सकेंगे बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होगा पटना गंगा मरीन ड्राइव। बिहार पुलिस दिवस को लेकर डीजीपी आरएस भट्टी का संदेश। अपने 2 दिवसीय बैठक को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। फाइनल खेलने के नजदीक पहुंची टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंजीनियरिंग पास छात्र के लिए निकली बम्पर वैकेंसी। इंजीनियरिंग पास किए गए युवाओं के लिए IOCL के द्वारा 513 पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन की शुरुआत 1 मार्च 2023 से होने वाली है। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 20 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है। इस पद के लिए अगर उम्मीदवार के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके साथ ही ITI सर्टिफिकेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट IOCL.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होगा पटना गंगा मरीन ड्राइव। बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा गंगापथ यानी कि पटना का मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में विकसित करने के लिए समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कई चीजों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा इस समीक्षा बैठक में बिहार के गंगा रिवर फ्रंट पर स्टेडियम, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, मॉल, कल्चर व रिक्रिएशनल सेंटर, म्यूजियम, मल्टी स्टोरी पार्किंग समेत कई चीजों के निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिनों पहले ही बिहार की राजधानी पटना में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई है। उस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया था कि गंगा नदी में राष्ट्रीय स्तर के वाटर स्पोर्ट्स को भी शुरू किया जाएगा, जिससे यहां के लोगों को वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए गोवा जैसे जगहों में न जाना पड़े। BPSC ने जारी किया 68वीं प्रीलिम्स का आंसर। 68वीं प्रीलिम्स का आंसर BPSC द्वारा जारी कर दिया गया। यदि अभ्यर्थी इसका आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो BPSC के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in से जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि 12 फरवरी को BPSC प्रीलिम्स की परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 38 जिलों के 1500 केंद्रों पर राज्य में इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। इस परीक्षा में जनरल स्टडी से 150 MCQ पूछे गए थे। जनरल स्टडी में सोशल साइंस, साइंस करंट अफेयर्स, बिहार से संबंधित प्रश्न और मैथ जैसे सब्जेक्ट शामिल थे। बिहार पुलिस दिवस को लेकर DGPRS भट्टी का संदेश। आगामी 20 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाली बिहार पुलिस दिवस 2023 की तैयारियों को लेकर श्री राजविंदर सिंह भट्टी पुलिस महानिदेशक के द्वारा जनता और तमाम पुलिस कर्मियों के नाम संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर पुलिस के द्वारा बाइक रैली निकाली जाएगी और राज्य में हर गाँव हर शहर में घूम घूम कर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और उनकी उपेक्षाओं को समझ कर उनके सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। बता दें कि इस बाइक रैली का नाम जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली दी गई है, जो राज्य के लगभग 46,000 गाँव तथा वार्डो में पहुंचेगी और लोगों की समस्याओं को सुनेगी। इसके साथ ही इस रैली के दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा लोगों को एक पर्णिका भी वितरित की जाएगी, जिसमें लोगों के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे गुड़पा माउंटेन के बारे में। गुड़पा एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह एक ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी को गुड़पा माउंटेन कहा जाता है। इस पहाड़ी के सबसे ऊपरी शिखर पर बुद्ध भगवान जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप भी बने हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लैग देखने के लिए मिलते हैं। इस माउंटेन के सबसे ऊपरी सिरे में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। यह सीढ़ियां पहाड़ों से होते हुए बनी हुई है। यहाँ पर ट्रैकिंग करने में बहुत ही मजा आता है। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध धर्म के लोग घूमने के लिए आते हैं। यह जगह बरसात के समय हरियाली घिरी रहती है। यह गुड़पा रेलवे स्टेशन है, जहां पर आप रेल के माध्यम से पहुंच सकते हैं। आप इस जगह पर सड़क के माध्यम से भी आ सकते हैं। नवादा में 50 लाख रुपए तक के शराब हुए जब्त। बिहार में शराब के तस्करी का उपाय अलग अलग तरीके से तस्कर ढूंढते रहते हैं। बता दें कि 50 लाख रुपए तक के शराब की तस्करी का मामला बिहार के नवादा जिले से आया है। उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा नवादा में चावल की भूसी से लदे एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस द्वारा इस ट्रक के चालक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नवादा उत्पाद विभाग की एक बड़ी सफलता होली से पहले मानी जा रही है। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूत्रों द्वारा यह पता चला था कि ट्रक से भारी मात्रा में शराब की यह खेप बिहार शरीफ जाने वाली है। उसके बाद विभाग द्वारा उसकी जांच शुरू हो गई, जहां 50 लाख रुपए तक की शराब को जब्त किया गया।
बिहार दिवस के अवसर पर फ्री में इन पर्यटक स्थलों पर सैर कर सकेंगे बच्चे। आने वाले बिहार दिवस के मौके पर राज्य सरकार द्वारा बच्चों को एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। बिहार दिवस के इस अवसर पर राज्य सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि इस वर्ष होने वाले बिहार दिवस के अवसर पर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर 3 दिनों तक बच्चे फ्री में सैर कर सकते हैं, जिनमें राजगीर, बोधगया, वैशाली और पटना जू और भी कई महत्वपूर्ण स्थल शामिल है। साथ ही साथ कुछ चुनिंदा फिल्में भी पटना में सिनेमा हॉल में फ्री में देख सकते हैं। अंजनी कुमार सिंह, जो कि बिहार म्यूजियम के महानिदेशक हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि 22, 23 और 24 मार्च को पूरे प्रदेश में बिहार दिवस का ही आयोजन आयोजित किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा अब तक नहीं दिया गया डायल 112 के द्वितीय चरण का प्रस्ताव। हेल्पलाइन सेवा डायल 112, जो कि बिहार के आपातकालीन सेवा का नंबर है, इसके दूसरे चरण में देरी हो रही है। बता दें कि अभी तक इसके प्रस्ताव को पुलिस मुख्यालय की तरफ से नहीं दिया गया है। इसे लेकर गृह विभाग द्वारा नाराजगी भी जताई गई है और मुख्यालय को अविलंब प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। दूसरे चरण के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में डायल 112 पहुंचाने की सेवा का लक्ष्य बीते साल दिसंबर तक रखा गया था। बता दें कि डायल 112 समीक्षा की योजना गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित आधुनिकीकरण के बैठक में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के तहत की गई थी। बीएड एंट्रेंस के लिए 15 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। 37,500 सीटों पर होंगे एडमिशन। 2 वर्षीय सीईटी बीएड और शिक्षा शास्त्री 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर लाइव कर दिया गया है। सीईटी बीएड 2023 की प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। दरअसल इस बात की जानकारी प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा द्वारा दी गई है। बता दें कि इच्छुक अभ्यर्थी 20 फरवरी से 25 मार्च तक इसके आधिकारिक वेबसाइट बिहार सीईटी bed-inmu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ 16 से 20 मार्च के बीच आवेदन दे सकते हैं और यदि किसी प्रकार की त्रुटि आवेदन में हुई है तो उसमें भी सुधार 16 से 20 मार्च के बीच तक कर सकते हैं। 30 मार्च तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकेगा और परीक्षा की संभावित तिथि 8 अप्रैल है। बताते चले कि 37,500 सीटों पर 343 बीएड कॉलेजों में एडमिशन होने हैं। रेलवे यात्रियों को ट्रेन में खाना लेना पड़ेगा महंगा। IRCTC ने बढ़ाए इतने दाम। ट्रेन में मिलने वाले खाने के सामान के दाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC के द्वारा बढ़ा दिए गए हैं। बता दें कि 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी एक व्यंजन पर की गई है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे की तरफ से कहा गया है कि खाने की क्वालिटी और व्यंजनों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। रेलवे द्वारा बढ़ाए गए इस नए रेट को पूर्व मध्य रेलवे जोन से गुजरने वाली ट्रेनों में लागू भी कर दिया गया है। यदि ट्रेन में मिलने वाले समोसे और सैंडविच की बात करें तो पहले समोसे 8 रुपए के मिलते थे, लेकिन अब इसे 10 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं सैंडविच जहां 15 रुपए के मिलते थे वो अब 25 रुपए तक मिल रहे हैं। ऐसे ही और सभी दूसरे व्यंजनों के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है। आरजेडी की जन सुनवाई कार्यक्रम में ये मंत्री रहेंगे मौजूद। आरजेडी प्रवेश प्रवक्ता अजाज अहमद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निर्देश के बाद राजधानी पटना में आरजेडी की जन सुनवाई कार्यक्रम 21 फरवरी को आयोजित की गई है, जिसमें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भी शामिल होंगे। इसमें आवेदन करने का समय सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक है। वहीं जिन लोगों के द्वारा आवेदन करवाया जाएगा वह दोपहर 1 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं को सुना सकेंगे। वहीं प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद के द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि सुनवाई कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को अलग अलग विभागों के मंत्री के द्वारा की जाएगी। बिहार पुलिस के सोशल अकाउंट को लेकर मुख्यालय ने जारी की गाइडलाइन। बिहार पुलिस के द्वारा राज्य के सभी जिलों में सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर तैयार कर सक्रिय कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसका पालन राज्य के सभी लोगों को करना होगा। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट की जाती है या फिर अश्लील भाषा, अपशब्द, अपमानजनक, भय पैदा करने वाले एवं हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले पोस्ट किए जाते हैं तो उस व्यक्ति पर पुलिस की तरफ से जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यालय ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्हीं शिकायतों का जवाब दिया जाएगा जिसमें नाम, समय, तारीख और विशिष्ट स्थान का जिक्र किया गया हो, और अगर कोई व्यक्ति जिले के पुलिस विभाग से संबंधित कोई कमी को बताना चाहते हैं तो वह घटना के संबंध में स्पष्ट जानकारी देते हुए साक्ष्य को भी उपलब्ध कराए। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस सोशल मीडिया पर लोगों को राजनीतिक पोस्ट करने की भी मनाही की गई है। प्रदेश के तापमान में होगी बढ़ोतरी। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश में लोगों को ठंड से राहत मिलने लगी है। लोगों अब गर्म कपड़े से दूरी बनाने लगे हैं। इन दिनों पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आने के कारण लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम के जानकारों का कहना है कि सुबह और शाम लोगों को ठंड का एहसास होगा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। ऐसे में मौसम के जानकारों का कहना है कि इन दिनों बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
बिहार के इस जिले में चेकिंग के दौरान फोन निगल गया कैदी। एक हैरान कर देने वाला मामला बिहार के गोपालगंज जिले में सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार रूटीन चेकिंग के दौरान एक कैदी ने चनावे जेल में पकड़े जाने के डर से मोबाइल निगल लिया। उसके इस कारनामे से वह कैदी चेकिंग के समय तो बच गया, लेकिन कुछ समय बाद ही उस कैदी के पेट में भयंकर दर्द भी शुरू हो गया। इसके बाद जल्द ही उस कैदी को गोपालगंज स्थित सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती करवाया गया। कैदी के पेट में फोन है, इस बात का पता तब चला जब डॉक्टरों द्वारा उसकी एक्सरे और जांच की गई। जब यह जानकारी सबके सामने आई तो सभी सुनकर हैरान हो गए। अब डॉक्टरों के स्पेशल टीम का गठन किया जाएगा ताकि वे कैदी के इलाज और ऑपरेशन से संबंधित फैसला ले सके। अमिताभ के साथ मन मुटाव पर बोले बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में बिहार के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा अमिताभ बच्चन के क्लैश पर कुछ बातें कही गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें आज भी इस बात का मलाल है कि उन्होंने शोले जैसे फिल्मों को हाथ से जाने दिया। इसके साथ ही उन्होंने दीवार फिल्म को लेकर भी अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि दीवार फिल्म मेरे लिए ही लिखी गई थी और उसके स्क्रिप्ट भी मेरे तक लाए गए थे और करीब 6 महीने तक वह स्क्रिप्ट मेरे पास ही थी, लेकिन मैंने मन मुटाव के चक्कर में उस फिल्म को मना कर दिया था। इसके बाद मुझे शोले भी ऑफर की गई थी, लेकिन मेरे पास डेट्स का न होने के कारण यह फिल्म अमिताभ बच्चन को दे दी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने दो स्टार्स के बीच ईगो क्लैश को लेकर कही कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दो हीरो के बीच ईगो क्लैश हो, क्योंकि दोनों हीरो की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग होती है, अपना अपना स्टारडम होता है, जिसका हम इंसानों पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन इस चीज को लेकर हम समझदार तब होते हैं जब हमें यह एहसास होता है, तब हमें यह ईगो जैसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब छात्र अपने सहपाठियों को सेहत के प्रति करेंगे जागरूक। बिहार के स्कूली बच्चे अब विद्यालयों के स्वास्थ्य एवं कल्याण संदेश वाहक बनेंगे। बता दें कि इसके तहत 6 से 12 तक के प्रत्येक कक्षा से 2 छात्र जबकि सह शिक्षा वाले विद्यालयों से 1 छात्र और 1 छात्रा को संदेश वाहक के रूप में चयन किया जाएगा, जो अन्य बच्चों को स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। इसके साथ ही विद्यालयों में किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस को त्रैमासिक आयोजन भी किया जाएगा। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा राज्य के सभी जिलों को पत्र जारी कर यह निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस कार्य योजना पर काम करने के लिए बच्चों का चयन कर लिया जाए। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने सभी स्कूलों से यह भी कहा है कि सप्ताह में 1 दिन प्रत्येक कक्षा में 1 घंटे स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम को रखा जाए और उसी के अनुरूप कक्षा संचालित की जाए। इसके अलावा विद्यालय की प्रार्थना सभा में भी इस पर चर्चा की जाए। फिलहाल यह कार्य योजना राज्य के 14 जिलों में शुरू की गई है। अपने 2 दिवसीय बैठक को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बिहार की राजधानी पटना स्थित सिन्हा लाइब्रेरी में बीते दिन से 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जदयू के एमएलसी रामेश्वर महतो, पूर्व विधायक रणविजय सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। वहीं बैठक को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा सभी जिले के साथियों से फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेने के बाद आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संघर्ष के बाद लोगों ने समता पार्टी का गठन किया था और नीतीश कुमार को सत्ता मिली थी और अब फिर से जहां से सत्ता छीन कर लाई गई थी उसी को सौंपने की तैयारी की जा रही है, जिसे हमारे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम लोग फिर से बिहार की खौफनाक मंजर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आयोजित की गई यह बैठक जदयू के बैनर तले ही की जा रही है। मालूम हो कि जो बैनर लगाया गया है उसमें उपेंद्र कुशवाहा के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव की भी तस्वीर को शामिल की गई है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पोस्टर में नहीं रखा गया है। विपक्षी एकता पर नीतीश को कांग्रेस का जवाब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान पर कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल का लाभ उठाकर विरोधी दलों को एकजुट करने का काम करना चाहिए, वहीं अब उनके इस बयान को लेकर पार्टी महासचिव जयराम रमेश के द्वारा उनके बयान का स्वागत करते हुए कहा गया कि हाँ, हम मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सिर्फ कांग्रेस पर नहीं बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है और हम अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अब तक बीजेपी के साथ समझौता नहीं किया है और हमारे बिना विपक्षी एकता भी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि विपक्षी एकता जरूरी है, लेकिन विपक्षी एकता के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली थी। विपक्षी एकता केवल उसका परिणाम हो सकता है और चुनाव के पहले गठबंधन होना चाहिए या चुनाव के बाद में गठबंधन होना चाहिए यह अधिवेशन में विचार किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की बैठक पर ललन सिंह का जवाब। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आयोजित की गई 2 दिवसीय बैठक को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा उन पर पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की सोच को हम लोग सम्मान करते हैं, उन्हें पार्टी में काफी इज्जत मिली है, लेकिन अब वह कहीं पर इशारा और कहीं पर निशाना लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उपेंद्र कुशवाहा कौन सी बैठक करते हैं इसका कोई मायने नहीं रह गया है, क्योंकि वह आधिकारिक बैठक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाने का अधिकार रखता है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे हैं कि अब पार्टी कमजोर हो रही है तो उन्हें बताना चाहिए सदस्यता अभियान में उन्होंने कितना सदस्य बनाया है, क्योंकि उस दौरान वह दिल्ली में थे। उपेंद्र कुशवाहा को यह भी बताना चाहिए कि वह जो बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं उससे उन्हें कोई फायदा मिला भी है या नहीं।
तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तीखा हमला। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में आयोजित रविदास जयंती में शामिल होने के लिए पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा एक बार फिर से बीजेपी पर तीखा प्रहार किया गया। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश की जो भी हालत है, ऐसी हालत में संविधान और लोकतंत्र को बचाना बहुत ही बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जिस देश में सांप्रदायिक शक्तियां काबिल हो गई हो, वहां लोग कहते हैं कि सामाजिक न्याय हो। अगर हम देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो हम सबको एक साथ मिलकर ऐसा करना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज के दौर में देश की सत्ता जिसके हाथों में है, वह बस यही चाहता है कि चंद लोग राज करें, बाकी सभी गुलामी करें। लोगों को अब बहुरूपिया लोगों से सावधान रहना होगा, जो मीठा मीठा बात करते हैं, वोट लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने उन्हें मजा चखा दिया। आज के समय में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है तो सभी कहते हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया है, तो उनके राज में कौन सा राज था। बीजेपी सांसद नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा और देश संभालने की बात करते हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन में नीतीश कुमार द्वारा विपक्षी एकजुटता के आह्वान के बीच मुख्यमंत्री पर पलटवार किया है। उनके द्वारा कहा गया है कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा और वे देश संभालने की बात करते हैं, यही हाल रहा तो वह देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल बन जाएंगे। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार विपक्षी को एकजुट करके भाजपा को सत्ता से हटाने का आह्वान कर चुके हैं। भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन में उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो 2024 के चुनाव में भाजपा 100 सीटों पर सिमट जाएगी। भाजपा के नेताओं में नीतीश कुमार की यही भाजपा के खिलाफ देशव्यापी मोर्चा निकालने को लेकर खलबली मच गई है। फाइनल खेलने के नजदीक पहुंची टीम इंडिया। बीते दिन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 6 विकेट से करारी हार दी और अपने नाम जीत किया। इस जीत के साथ भारत ने 2-0 से बढ़त हासिल कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम के द्वारा केवल 113 रन ही बनाया गया और भारत को 115 रनों का लक्ष्य दिया गया, जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया और जीत अपने नाम कर ली। मालूम हो कि इस जीत के साथ अब भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को खेलने के लिए और नजदीक पहुंच गई है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे 4 टेस्ट की सीरीज में भारत टीम को 2 मैच के अंतर से ऑस्ट्रेलियाई टीम को शिकस्त देना जरूरी था। ऐसे में अब तक भारतीय टीम ने 2 मैच में जीत हासिल कर ली है और अब अगर 1 मैच में और भारतीय टीम की ओर से जीत हासिल कर ली जाती है तो उसे लगातार दूसरी बार फाइनल में शिरकत करने का सुनहरा मौका मिलेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब का 1707 में अहमदनगर में निधन हुआ। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आधिकारिक तौर पर 1835 में खुला। अमृत बाजार पत्रिका का पहला साप्ताहिक अंक 1868 में बंगाली में प्रकाशित हुआ। 1950 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई और राष्ट्रवादी नेता शरद चंद्र बोस का निधन हुआ। नासा द्वारा 1965 में प्रक्षेपित रेंजर 8 चांद पर उतरा फोटो और जरूरी डेटा भेजे। मुंबई के अस्पताल में 1968 में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया गया। बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कन्हार नदी जल पर 1982 में समझौता हुआ। हिमाचल प्रदेश 1986 में भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में भारत के 23वें और 24वें राज्य बने। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा की। दूरदर्शन पर 1999 में खेल चैनल शुरू हुआ। इसके साथ ही साल 1947 में 20 फरवरी के दिन ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करने की घोषणा की थी। हालांकि भारत को 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र 20 फरवरी के दिन को साल 2009 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे SBI के योनो खाता के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे SBI के योनो खाता के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक नकली संदेश प्रतिरूपण कर रहा है। द ऑफिशियल SBI दावा करता है कि प्राप्तकर्ता का योनो खाता अवरुद्ध कर दिया जाए। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि अपना बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए कहने वाले ईमेल SMS का कभी भी जवाब न दें। यदि आपको ऐसा कोई संदेश प्राप्त होता है तो तुरंत report.phishing@sbi.co.in पर रिपोर्ट करें। अब पेटीएम से कुछ पलों में ही करें किसी को भी पेमेंट। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने UPI लाइट का पेश किया है। यह सुविधा पेटीएम प्लेटफॉर्म पर केवल एक क्लिक के साथ रियल टाइम छोटे मूल्य वाले UPI लेनदेन को सक्षम बनाती है। UPI लाइट तेजी से लेनदेन की सुविधा देता है जो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा मिलने वाली एक सुविधा है। पेटीएम UPI लाइट को आपको सेटअप करने के लिए सबसे पहले iOS या एंड्रॉइड पर पेटीएम ऐप खोलना होगा। अब होम पेज के ऊपरी बाएं कोने में प्रोफाइल बटन पर टैप करें। इसके बाद UPI और पेमेंट सेटिंग पर क्लिक करें और अंदर सेटिंग सेक्शन में UPI लाइट चुने। अब UPI लाइट के लिए योग्य बैंक खाता चुने। इसके बाद एड मनी टू एक्टिवेट UPI लाइट पेज पर वह राशि दर्ज करें जिसे आप अपने UPI लाइट खाते में जोड़ना चाहते हैं। अब अपना MPIN दर्ज करें और अपना UPI लाइट खाता बनाने के लिए से माने करें। एक बार आपका UPI लाइट खाता सेट हो जाने के बाद आप एक ही टैप के साथ भुगतान कर सकते हैं।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पुष्पेंद्र राय, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, कुश कुमार यादव, निवास कुमार, राजकुमार ठाकुर, अनवर करीम खान, सैलजा कुशवाहा, मुटु रंगीला, मंटू कुमार, अर्जुन राम, शंकर मुखिया, महमूद अंसारी, वेद प्रकाश सिंह, सत्यनारायण सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।